कि हम मेड इन इंडिया पर बल देंगे तो तेलंगाना के मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी ताकत लगा दी। जब भारत ने तय किया हम यूरिया में आत्मनिर्भर होंगे तो बरसों से बंद रहा रामागुंडम खाद कारखाना फिर से सजीव हो उठा। और साथियों, जब भारत ने अपनी रेल को आधुनिक बनाने का फैसला किया तो भी इसमें तेलंगाना ही अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब काजीपेट में वैगन बनाने की नई फैक्ट्री बन रही है। यहां बनने वाले सैकड़ों वैगन भारतीय रेल के विस्तार और एक्सपोर्ट दोनों को बल देंगे। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है, इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि हां, तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को
ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। और साथियों, मैं एक और बात कहूंगा, यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों को घोटालों में लिप्त है, जिस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिसकी पोल तेलंगाना के लोगों के सामने खुल चुकी है, वो परिवार अब तेलंगाना की जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने